गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 49। ठीक है, वर्कशीट 49। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, हम पेरीमीटर पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे सर्कल का, ये क्या होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हो कि पेरीमीटर एरिया क्या होता है, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आप देख रहे हो कि एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस आर है। तो इस तरह का दिया हुआ है कि सर्कल और रेडियस आर है, तो उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना होगा। तो उसका फार्मूला होता है 2πr। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कल का पेरीमीटर, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना हो, सर्कमफ्रेंस निकालना हो, तो क्या होता है कि उसके जो किनारे के जो साइड का है ना, पूरा ये जो डिस्टेंस है, पूरा पार्ट जो कितना कवर कर रहा है, उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर बोल देगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो इसका हो जाएगा 2πr, 2πr होगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 22/7, और दूसरा क्या होता है, ये 3.14 समथिंग होता है, उसको आप अप्रॉक्स ऐसे ले सकते हो, 3.14। ठीक है, समझ गया। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी डिस्टेंस को जो फुली कवर कर रहा है, जैसे सर्कल से पूरे साइड का जो डिस्टेंस है, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और आप पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता चल गया, अब आपको ये पता करना है कि पाई के वैल्यू 22/7 और उसको 3.14 दो होता है, और किसी कभी कभी दे देता है 3.14 आप पुट करो, तो आप ये पुट करोगे। कभी आप ऐसे मैक्सिमम जब नहीं दिया हो तो आप 22/7 ही पुट करना। ठीक है, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। अब देखो ये क्या है, ये डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कल। आपको एरिया ऑफ सर्कल भी पता है किस तरह कितना होता है, एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, देखो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक, यही होगा ना, पहले भी हम पढ़े हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आप याद कर लो, कोई भी बोले कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर बोले तो 2πr, दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एग्जांपल में। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे और एरिया ऑफ सर्कल का लिख देंगे फार्मूला, आपको याद होगा तभी ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी पेरीमीटर होता है 2πr, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल कर दिए, दोनों में पाई पाई है तो कट गया। ठीक है, समझ रहे हो, दोनों में आर आर है तो कट गया, तो क्या बचा, आर इज इक्वल टू 2, यानी कि रेडियस हमारा क्या हो गया 2। हमें क्या पूछा है, डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, रेडियस के डबल होगा, 4 यूनिट, कितना ईजी है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं क्या है। ए द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 cm, समझ रहे हो ना, कि कार का जो मान लो कि ये से एक व्हील हुआ, एक कार ये, उसके जो डायमीटर वो कितना है, 80 cm है। ठीक है, ये 80 हो गया। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ए व्हील मेक इन 10 मिनट, द 10 मिनट में वो कितना करेगा, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, वेन द कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 km/h, मतलब कि एक घंटे में वह 66 किलोमीटर चलती है, तो कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब आप सोचो कि अब क्या करेंगे हम, हमें कह रहा है कि 10 मिनट में कितना करेगा, तो अभी हम सोचेंगे कि जो कार है ना, एक बार में कितना इसका डिस्टेंस कितना है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इस कार का जो व्हील का है ना, वो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद वो पता चल जाएगा कि एक बार में जब एक वन राउंड ऐसे लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, आपको वन राउंड पता चल जाएगा, इसलिए हम इसका पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। वही हमने किया, देखो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, 12। ठीक है, तो 40 cm हो गया। अच्छा,
अब इसको इसने क्या किया कि मीटर में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर है ना पर आवर, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 100 कर दिया, 40/100 मीटर में करने के लिए, तो 40/100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार में जो कार है ना कितना रिवोल्यूट घूम रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, 2πr, ये तभी निकलेगा ना, इस प्रकार का डिस्टेंस किसने निकलेगा कार के, ये का 2πr से ही, तो 2πrs कर देंगे, तो हमारा आर आ गई है 176/70 मीटर, मतलब कि एक बार में भी इतना इतना डिस्टेंस कवर करता है, इतना मीटर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि 10 मिनट पूछ रहा है ना, 10 मिनट में कितना होगा, तो आप बच्चों सोचो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, आप समझो, हमको याद है आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना, हाँ ये होता है, तो ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि टाइम तो हमको 10 मिनट का बता दिया, 10 मिनट का आपको निकालना है, तो हमको स्पीड चाहिए, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्पीड निकालेंगे कि स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आप देखो कि स्पीड कैसे निकालें, तो देखो बच्चों, स्पीड निकालने के लिए इसमें दिया हुआ है कि 66 किलोमीटर पर, मतलब कि 1 आवर में 66 किलोमीटर ऐसे किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, समझे। तो हमें क्या, तो पूरे निकाल लेते हैं कि अगर इसी आवर को स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, ये होता है ना, तो 66 किलोमीटर कितने में चल रहा है, 1 घंटे में, तो आप 1 किलोमीटर पता है और भी 1 घंटे, मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस कितना हुआ, 66 किलोमीटर स्पीड, ये कितना हुआ आपको डिस्टेंस हुआ 66 किलोमीटर, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें क्या किया है कि पहले इसने क्या किया ना कि इसको किलोमीटर पर आवर है ना, इसे 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको इसको आप इस सेंटीमीटर, मीटर में है, ये मीटर में है ना, और ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम चेंज करेंगे, किलोमीटर है और मीटर को दोनों को एक में करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर में सेकंड में कर देते हैं, अगर मीटर में होगा तो इसको भी सेकंड में करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो किलोमीटर पर आवर है तो 66 किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 हो जाएगा, और आवर को चेंज करेंगे सेकेंड में तो 60 मिनट होता है, ठीक, और 60 करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब दो दो जीरो ऐसे कट गया, 6 से 11 कटेगा, ठीक है, और फिर ये कटेगा किससे आपका, 2 से, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा, ये 55/3 cm/s, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड आपका ये स्पीड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, क्या हमें निकालना है कि फाइंड हाउ मेनी कंप्यूटर वाइब्रेशन, मतलब कि देखो जो कार है ना, हाउ मेनी कंप्यूटर वाइब्रेशन, कितना नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहा है, मतलब कार जैसे कि एक बार में इतना डिस्टेंस, कार का इतना सर्कमफ्रेंस है व्हील का, तो इस तरह का कितने बार ऐसे ऐसे कितने बार चलेगी, कितना नंबर रिवोल्यूशन करेगी, ठीक है, उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 66 किलोमीटर पर आवर, इतना है उसका स्पीड है, तो कितना ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि पहले तो ये तो पता हो कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कैसे आपको फाइंड करेगा कितना कवर किया उसने। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस वो कितना यहाँ पर आ गया आपको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, देख रहे हो ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड आपका ये 55/3 है, 55/3 लिख दिए, अच्छा ये 10 मिनट है, तो ये 10 मिनट को मिनट 10 लिखे, और मिनट है तो इसको सेकेंड में कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2πr यहाँ पे है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इन वन रेवोल्यूशन, तो वन रेवोल्यूशन में कितना होता है 2πr, ठीक है, मतलब कि
ये पूरा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें पूरा जितना कार ट्रेवल किया ऊपर लिखे, और नीचे क्या लिए कि एक बार में कार जितना चक्कर लगाता है, रिवोल्यूट करता है, एक बार में कितना करता है 176/17 इतना करता है ना एक बार में। ये हुआ ना ये कार का जो एक ये फील्ड का सर्कमफ्रेंस था, ये हुआ एक बार का तो इतना है, और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इनटू टाइम कर दिए, स्पीड ये था और टाइम ये था, टोटल का भी निकल गया डिस्टेंस। तो टोटल में से एक बार का अगर हम निकाल का डिवाइड कर देंगे तो हमका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो गया आपका 4375 मीटर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पहले पढ़ो, और नहीं समझ में आ रहा तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ो और पॉज करके समझो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए कह देता है तो आपको क्या करेंगे, वही पूरा डिस्टेंस कितना कवर किए और एक फील्ड कितना कवर कर रहा है डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो देख सकते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 14 cm, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये तो है। आपको क्या करना है कि इसमें दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, देखो कितना इजी है, आप समझ दो। देखो बच्चों, मान लो कि ये एक सेमी सर्कल दिया है, ठीक है। तो सेमी सर्कल एक हम ये सेमी सर्कल हो गया आपका, इस सेमी सर्कल इस सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। तो इसके रेडियस ये है, पूरा दे दिया है इसका डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 14 cm, तो पूरा जो डायमीटर हुए 14 cm है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। 14 cm है तो रेडियस से कितना हो जाएगा, एक, तो रेडियस अगर डिवाइड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो क्या होता है, पूरा सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है ना। तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा πr, ठीक है, πr हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप पेरीमीटर जानते हो ना क्या होता है, क्योंकि पूरा उसके आउटर साइड। तो देखो सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा कि ये पूरा तो है ही, और ये नीचे भी ऊपर वाला का तो ये पाई आर हो ही जाएगा, पाई आर सर्कल में तो इसे पूरा ऐसे होता है ना, तो पाई आर ऊपर और पाई आर नीचे हो जाता है। लेकिन अभी सेमी सर्कल में क्या हो गया, सेमी सर्कल में क्या हो गया आपको बताओ, सेमी सर्कल में क्या हुआ कि ये तो पूरा हो गया पाई आर, ठीक है, ऊपर वाला ये पाई आर, लेकिन नीचे भी तो आर आर है, तो पूरे किनारे का जितना पार्ट होता है वही पेरीमीटर होता है ना। ये तो पाई आर है और ये आर आर है, तो जोड़ देंगे पाई आर और टू आर, ठीक है। तो ये हम ऐड कर दिए, हमारा कितना आ गया पाई आर 22/77 और टू आर 2×7 ऐड कर देंगे, हमारा आ गया 36 cm, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कल सर्कुलर फील्ड ऑफ द एरिया इतना, इन रोलिंग डिस्टेंस इतना दिया हुआ है 572 मीटर, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, एक फील्ड का एरिया, एक जो सर्कुलर फील्ड है उसका एरिया ऊपर में टोटल डिस्टेंस अपॉन, टोटल डिस्टेंस अपॉन एक फील्ड का एरिया, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ये निकालते हैं ना। तो देखो क्या है, फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, वही क्या करेंगे, फील्ड ऑफ द एरिया दे दिया है, जो ये फील्ड है ना उसका एरिया दे दिया, हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे फील्ड का, और डिस्टेंस दिया उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बात है कि सर्कमफ्रेंस निकालें कैसे, कैसे निकालेंगे सर्कमफ्रेंस, जो देखते हैं कैसे निकालें इसको। सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों अब देखो, एरिया दे दिया है हमारा, इसमें एरिया दे दिया है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसको हम लिख दिए क्योंकि दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना, इससे हम आर निकाल लेंगे। तो आर निकाल लिए, देखो इसको सॉल्व करके, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो आर की वैल्यू आपको आ गया 196/100, रूट में करोगे तो 14/10 आ गया। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कि वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पूछ रहा है ना कितना होगा, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी रेवोल्यूशन निकालना हो सर्कल का, तो पहले सर्कल का वो क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, सर्कल का पेरीमीटर चाहिए, क्या होता है 2πr, और आर कितना है 1.4, तो इसका निकाल देंगे सर्कल का पेरीमीटर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो
तो वन नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है कि वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू पर मीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में जो भी व्हील है उसका पेरीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 572 मीटर और ये व्हील का पेरीमीटर हो गया सर्कमफ्रेंस। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, बहुत ही ईजी है। देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इसका आ जाएगा, इसको काट दोगे 72 जम करके ये सब ये कट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 65, तो क्या हो गया 65, ठीक है। ये 65 हो गया नंबर ऑफ ए रेवोल्यूशन। समझ, जब भी रेवोल्यूशन आपको निकालना हो टोटल डिस्टेंस अपन में फील का सरकमफ्रेंस, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए, बच्चों समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको, द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ए 24 मीटर इतना, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है समझो, कह रहा है ना कि द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 मीटर इज इतना, ठीक है। मतलब कि 24 मीटर पर इससे इतना पैसा लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है। फील्ड इज टू बी रेट इतना पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए गोइंग द फील्ड, तो हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखो बच्चों इसका अगर एरिया निकालना है ना आपको, तो इससे डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा है, द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फील्ड का पूछ रहा है, ठीक है। फेंसिंग का तो ये इतना दे दिया तो पर मीटर इससे आपको निकल जाएगा, और उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग द फील्ड का बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो अब हमें क्या दे दिया, कॉस्ट दे दिया, तो इससे हम आर निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस्ट दे दिया है 24 पर मीटर है सरकमफ्रेंस, तो देखो टोटल कॉस्ट दिया है 5280, ये दिया है ना। इस प्लॉट को पूरे कॉस्ट पूरा ये करने में इतना 5280 रुपीज़ लगता है फेंसिंग का, ठीक है। तो फेंसिंग का मतलब क्या हुआ, प्लॉट ऐसे चारों साइड इस तरह का, इसे कितना पूरा कवर करने में इतना रुपीज़ लग रहा है, जबकि एक मीटर का 24 मीटर है। तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे कि पूरे जो भी पैसा लगा यानी 5 कॉस्ट जितना लगा और जितना एक मीटर का लगता है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या निकल जाएगा 2πr, ये 2πr, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम लिखेंगे रेट इंटू सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कॉस्ट होता है, ठीक है। तो रेट कितना है 24, सर्कमफ्रेंस 2πr, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा r 35 cm, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल दिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिए πr² करके 38.5 इतना मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कॉस्ट कितना होगा, तो देखो कॉस्ट कितना होगा, एक का कॉस्ट 0.5 है, तो एरिया को पता ही है 3850, तो कितना कॉस्ट होगा हमारा, इसका मतलब कितना सेंटीमीटर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना ईजी है बच्चों, आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़ो, समझ में आने लगेगा, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। थैंक यू।